पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा ने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्जन भर FIR की जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। नूपुर शर्मा का कहना है कि अपनी टिप्पणियों को वापस लेने के बावजूद उन्हें मानसिक तत्वों से लगातार बलात्कार और जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि संबंधित पुलिस द्वारा जांच के लिए विभिन्न राज्यों में यात्रा करना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। वहीं याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है और कहा है कि नूपुर शर्मा की बयानबाजी उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने अर्नब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया है, जहाँ पर FIR को कलब करने की राहत दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उनके लिए ये महिला अकेली जिम्मेदार है। वकील ने ये भी कहा है कि नूपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस लिया है और उनके लिए माफ़ी भी मांगी है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि उनको TV पर आकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि TV चैनल पर नूपुर शर्मा का क्या काम है। एक एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा जो मामला विचाराधीन है उस पर चर्चा करना। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।